लोकसभा चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके हैं, अब तीसरे चरण की लड़ाई छिड़ गई है। पहले दो चरण के बाद अब तीसरे चरण का मुद्दा भी बदल गया है। तीसरा चरण से पहले गौकृषि, धार्मिक आरक्षण और संपत्ति का सर्वे मुद्दा बन गया है। बीजेपी के नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ही इन मुद्दों को निकाल कर उस पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज हाथरस में जनसभा कर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है, आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश से लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की पसंद का खान पान हम करने की छूट देंगे, क्या गौकसी करने की छूट दे देंगे क्या आप इनको? बीजेपी के तुष्टीकरण वाले आरोपों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो को बीजेपी गलत तरीके से पेश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर बीफ कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की सियासत शुरू कर दी है। ये अपने चॉइस के अनुसार डरा डरा के चंदा उठा रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं उनको। जो ज्यादा चंदा दिया उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, और डराने की कोशिश हम करने का कहा। ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है, देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पिछले दरवाजे से मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर आरक्षण दे रही है और वो ये फॉर्मूला देश भर में लागू करना चाहती है, जिसे बीजेपी किसी भी हाल में होने नहीं देगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर संपत्तियों का सर्वे कराकर छीनने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूँ, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। तीसरे चरण का ये रण कौन जीतेगा, ये 4 जून को साफ होगा, लेकिन अभी से सभी दल अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो पर घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस को मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण के पॉइंट पर नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हर एक रैली में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बारीकी से पढ़ के लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस से पूछ रहे हैं, तो अब कांग्रेस के नेताओं को सफाई देने आना पड़ रहा है। जिस जिस पॉइंट पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है उसे बाकायदा बताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की ओर से कि हमने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा कहा है। मेहमान हमारे साथ है, परिचय करा दूं आपको, उसके बाद एक बड़ी खबर है, फिर मेहमानों से सवाल करूंगी। मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य कुमार मैथिल राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हाजी महरुद्दीन रंगरेज एआईएमआईएम के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि अब राजनीतिक विशेषक के तौर पर चैनल पर बैठते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, सवाल शुरू करूं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। हमीरपुर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश को बांटना चाहती है कांग्रेस, जाति धर्म के आधार पर बांटने की साजिश की जा रही है, कांग्रेस की सोच देश विरोधी है। अनुराग ठाकुर ये बात कह रहे हैं और बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों से ये बात कहते रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं, मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ है, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है कांग्रेस, के तमाम आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। अब क्योंकि बातें लगातार बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं, सवाल कांग्रेस से होना था लेकिन कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन उस पहला सवाल मनोज जी आपसे इसलिए क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग रोज मैनिफेस्टो लेकर बैठ जाते हैं, एक लाइन उसमें से निकालते हैं और हर चरण से पहले फायदा उठाने की कोशिश करते हैं गलत बयानबाजी करके।
देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो बुर्का था वो उठ चुका है कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसके बाद 2009 के अंदर किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। उसके बाद 2017 के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, और हम ये बोल नहीं रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करने का कौन प्रयास कर रहा है। मैं मैनिफेस्टो लेकर के आया हूँ, ये पेज नंबर 28 पॉइंट नंबर 21 में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। यानी कि क्या लिखा है कि किस तरह से हम लोग सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। इसी तरह से मैं पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है हिस्सेदारी न्याय वाला जो इनका मैनिफेस्टो का जो हिस्सा है, इसका पॉइंट नंबर 3 है, इसमें लिखा है कांग्रेस शिक्षा नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेगी। यानी साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है कि ओबीसी समाज का जो 27% आरक्षण है उसको छीन करके धर्म के आधार पर देने का काम करेंगे। इसी तरह से मैं मंडल आयोग की आज रिपोर्ट लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 12 और पैराग्राफ नंबर 18, इसमें साफ साफ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि चाहते क्या है, केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इनका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो गरीब का है, वंचित का है, दलित का है, ओबीसी का है, एसटी का है। लेकिन ये लोग लगातार कर्नाटक के अंदर किस तरह से आपने देखा, कर्नाटक का एक मैं वो लाया हूँ नोटिफिकेशन लाया हूँ, एनसीबीसी का जो नोटिफिकेशन है वो देखिए, टू बी कैटेगरी लागू करके, पूरी बात जाने दीजिए, मैं ओबीसी समाज का, मुझे दर्द है कि किस तरह से हमारा अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, हम अधिकार छीनने नहीं देंगे। देखिए 2B कैटेगरी लागू करके 4% आरक्षण देने का काम किया गया कर्नाटक के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल ये ओबीसी का राग अलापने वाले लोगों से कि हम ओबीसी समाज के लोगों का आरक्षण छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक तरीके से देने का ये प्रावधान क्यों कर रहे हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहीं भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है कि किसी की प्रॉपर्टी लेकर किसी में बांटी जाएगी। मैनिफेस्टो मैंने सुनाया है, वो ये कह रहे हैं मनोज जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है, आपने जो लाइन पढ़ के सुनाई है उसमें भी ऐसा कहीं नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी लेके किसी को बांट देंगे। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा तेलंगाना में, तेलंगाना की रैली में, क्या वहाँ पर राहुल गांधी जी का जिन बोल रहा था क्या वहाँ पर, ये मुझे बताइए। राहुल गांधी का मनोज चेहरा है जो मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता तो ये सरिया कानून, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता तो एक दुकान पे जाकर कहते हैं, अच्छा पहले आप बोलेंगे, आप इनको नहीं बोलने देंगे, सुन लीजिए आप पहले गलत शब्द, पहले इनको बोलने दे दीजिए फिर आप भी बोल लीजिएगा, मनोज जी एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कारण है कि लगातार घोषणा पत्र में सब चीज डाली जाती है और लगातार कहते हैं कि देश के संसाधन, रुकिए ना, रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, सिखों का क्यों नहीं होगा, अंग्रेजी आप लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, और नहीं मुख्यमंत्री तो ये बात कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के, आप गौकशी को बढ़ावा देना चाहते हैं, अरे एक एक करके बोलिए मनोज जी रुकेंगे थमेंगे कहीं। अब देखिए पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। देखिए आपको एक्सपोज करने के लिए जो बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर और प्रधानमंत्री तक जो झूठ फैला रहे हैं कि मुसलमानों का अधिकार की बात हो रही है, मुसलमानों को बांटने की बात हो रही है, इसको एक्सपोज जो है मीडिया ही कर रही है, और ये झूठा प्रोपोगंडा जो फैला रहे हैं इस देश में, किसी तरीके से समाज में कैसे बंटवारा हो जाए, कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाए, जो इस बात में अंग्रेजी, मतलब मैंने पिछले हफ्ते भी यही सवाल पूछा था, क्या गौ तस्करी या गौ हत्या को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को कुछ भी खाने की छूट है, इसका क्या मतलब है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद है क्या ये? कोई भी मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता और ना ही गाय काटता है मुसलमान। दूसरी बात, जो गाय के नाम पर राजनीति हो रही है, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया, 10 साल हो गए सरकार को, और जो छोटा जानवर के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है, तो इस अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं गाय के नाम पर राजनीति हो रही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पार्टी के मैनिफेस्टो में बीजेपी आरोप लगा रही है कि 100 से ज्यादा बार अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्यों ना माना जाए कि ये मैनिफेस्टो
एक समुदाय पर आधारित है, किसी एक खास समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, यही आरोप तो बीजेपी लगा रही है। नहीं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, तो ये बार बार मुसलमानों का नाम जो लिया जा रहा है, और जो मैं बता रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए मनोज भाई, पूरा आंकड़ा तो सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए बात पूरी। अब बीच भी लोग बार बार याद नहीं आता है, जैन याद नहीं आता है, बौद्ध याद नहीं आता है, केवल आपको मुस्लिम ही याद क्यों आता है, और उन्हीं को केवल आरक्षण देने की बात क्यों? जरा बताइए संविधान के कौन से प्रावधान के अंदर लिखा है कि उनको आरक्षण देने का प्रावधान कहां पर है? जरा, और आपने कहा संख्या में जैन भी आते हैं ना, क्या जैन समुदाय नॉनवेज खाता है, क्या बौद्ध समुदाय नॉनवेज खाता है, इस बात की आप गारंटी लेते हैं? जैन समुदाय तो सर ऐसा है कि जो 6 बजे के बाद कुछ खाते ही नहीं है। मैं अनामिका जी क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहे हैं कि कुछ भी खाने की आजादी है? ये खाने की आजादी सबकी अपनी है, मगर जो मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी की शासित राज्य है गोवा है, वहां पर खुलेआम गोकसी होती है, आप रुकवा दीजिए। आपके कई सारे बीजेपी के नेता किरण रिजिजू जो मंत्रिमंडल में भी हैं मोदी जी के, वो खुद कहते हैं मैं खुद खाता हूँ और पार्टी भी करता हूँ और खिलाता भी हूँ, और मैं तो ये बात कह रहा हूँ बार बार के इन सब चीजों के सुनिए अनामिका जी, क्या देश के मुद्दे महंगाई बेरोजगारी है या गोकसी वाला है या